एक समय था जब चीनी संस्थानों से डोनेशन लेना उतना ही सही और स्वीकार्य माना जाता था जितना उसके नेता के साथ झूला झूलना। लेकिन गलवान की गलती से ध्यान भटकाने की जल्दबाजी में भाजपा ये भूल गई कि जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो चार उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। आइए आज आपको ऐसे कुछ तथ्यों से रूबरू कराते हैं जिसमें साफ हो जाएगा कि भाजपा से जुड़े लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चीन से कैसे फंडिंग मिलती है। विदेश नीति का थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विदेश मंत्री एस जयशंकर के बेटे से एसोसिएटेड है। विदेश मंत्री खुद चीन के पूर्व राजदूत रहे हैं और वे ORF द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में नियमित रूप से जाते रहे हैं। इस फाउंडेशन को 2016-17 में कई बार चीनी कॉन्सुलेंट से फंडिंग मिली है। ORF की वेबसाइट पर जारी विदेश दानदाताओं और उनसे प्राप्त राशियों की सूची देखें तो पता चलता है कि इस थिंक टैंक को चाइनीज कॉन्सुलेंट से 1.25 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। 2016 में 29 अप्रैल को 7.7 लाख रुपए, 4 नवंबर को 11.55 लाख रुपए और 31 दिसंबर को 1,06,80,000 रुपए इस फाउंडेशन को अप्रत्यक्ष तौर पर चीन से मिले हैं। वहीं साल 2017 में इस फाउंडेशन को 50 लाख रुपए मिले हैं। एक दूसरा थिंक टैंक है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक हैं और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि डोभाल की घनिष्ठता भाजपा और RSS के साथ कितनी है। इसने अपनी वेबसाइट पर घोषित किया है कि ये फाउंडेशन विदेश और रणनीतिक मामलों में 9 चीनी संस्थानों के साथ काम कर रहा है और ये संस्थान है चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज बीजिंग, सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंडियन ओशन इकोनॉमिक्स यूनान, यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स कुमिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटजी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंस बीजिंग, सेंटर फॉर साउथ एशिया एंड वेस्ट चाइना कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी चेंगडू, सिचुआन यूनिवर्सिटी चेंगडू, सिल्क रोड थिंक टैंक नेटवर्क डेवलपमेंट रिसर्च काउंसिल बीजिंग, द सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज शेंजन। इतना ही नहीं, इन दोनों थिंक टैंकों के सदस्यों की सत्ता के सर्वोच्च स्थान नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक तक सीधी और पर्याप्त पहुंच भी है। ऐसे में सोचिए कि जो भाजपा दूसरों पर चाइनीज फंडिंग लेने के आरोप लगा रही है वो खुद कितनी पाक साफ है।